हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक बाइट्स। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 5-6 व्यूज़ आपके आते हैं और उसके बाद आपके उस वीडियो पे व्यू आने बंद हो जाते हैं, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रेगुलरली वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, पर उसके बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, आपने टाइटल, टैग एंड डिस्क्रिप्शन ये सब भी अच्छी तरह लगाया हुआ है, उसके बाद भी आपका वीडियो रैंक नहीं करता है और आपके वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं, आपने एट्रैक्टिव से एट्रैक्टिव थंबनेल बना के भी देख लिया, बहुत ही अच्छा थंबनेल आप बना रहे हो और उसके बाद भी आपके वीडियो पे क्लिक नहीं हो रहा है और आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो आप आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जिसको आप अपने चैनल पे अप्लाई करके देख सकते हो, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे आपको अच्छा एंड पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली छोटे यूट्यूबर्स को होती है जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उन्होंने अपना चैनल अभी स्टार्ट ही किया है, और यदि आपके पास कुछ सब्सक्राइबर्स हैं भी फिर भी आपके वीडियो को वो पुश नहीं मिल पाता जो पुश आपके वीडियो को चाहिए और आपका वीडियो ऊपर रैंक नहीं कर पाता। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी यूनिक ट्रिक जो बहुत ही सेफ है और YouTube के अंदर की ही वो एक फीचर है, उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे YouTube को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफली इसको अपने चैनल पे अप्लाई कर सकते हो और इसके रिजल्ट जो हैं 100% पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये ट्रिक खुद मैंने अपने चैनल पे अप्लाई की है और आपको मैं अभी शो करूंगा लाइव रिजल्ट कि मुझे अपने काफ़ी सारे वीडियोस पे इससे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब टाइटल, टैग एंड डिस्क्रिप्शन, ये तो सब लोगों को पता है, ये तो आप ऑलरेडी कर ही रहे होंगे और आपने अच्छे से अच्छा टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन अपनी वीडियो पे लगा लिया है, आपने अच्छे से अच्छा एट्रैक्टिव थंबनेल भी अपनी वीडियो पे लगा लिया है, पर उसके बाद भी आपको व्यू नहीं मिल रहे हैं, आपको इनिशियल में बस 5-6 व्यू मिलते हैं और उसके बाद आपके उस वीडियो पे व्यू आने बंद हो जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आगे भी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको उस ट्रिक को अपने वीडियो पर अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल पर अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है, आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो पर चले जाना है और उसके बाद आपको सर्च करना है अपने उस वीडियो को जिस वीडियो पे आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं अब तक के, चाहे आपके चैनल पे कम वीडियो हो या ज़्यादा वीडियो हो, कोई ना कोई ऐसा वीडियो आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा जिस पे अब तक सबसे ज़्यादा व्यू आपको मिले होंगे। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ढूंढ के निकाल लीजिए। तो जब आपको वो वीडियो मिल जाता है तो उसके बाद आप उस वीडियो के एनालिटिक्स में जाइए और वहाँ पे आप चेक करिए कि क्या उस वीडियो पे अभी भी व्यूज़ आ रहे हैं। वहाँ पे लास्ट 48 आवर्स का स्टैटिस्टिक्स वो आपको दिखाएगा कि उस वीडियो पे लास्ट 48 आवर्स में आपको कितने व्यूज़ आए हैं। आपको दो कंडीशन ध्यान में रखनी है। पहली, आपको वो वीडियो निकालना है जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं इन टोटल अब तक के। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि वो वीडियो आपकी अभी भी चलती है क्या, उस वीडियो पे आपको अभी करेंटली भी व्यूज़ मिलते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब यही आपका सही वीडियो है, आपको इसी को टारगेट करना है और यही वीडियो आपके बाकी वीडियोस पे भी व्यू लेके आएगा जिन पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो जब आपने ये ऐसा वीडियो ढूंढ के निकाल लिया जिस पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, उस वीडियो पे अब तक के हाईएस्ट व्यूज़ हैं प्लस वो वीडियो अभी भी आपकी रैंक करती है, लास्ट 48 आवर्स का स्टैटिस्टिक्स देखने पे आपको ये पता लग जाएगा कि वो वीडियो अभी भी आपको व्यू दे रही है, तो आप उस वीडियो को टारगेट करेंगे। तो जब आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा तो आपको उस वीडियो के एडिट में क्लिक कर देना है और एडिट में क्लिक करने के बाद आपको अपने कार्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे यूट्यूब कार्ड्स लगाने हैं। अब आप ये सुनते ही सोचोगे कि भाई ये तो मैं बहुत ही बेकार सी चीज़ बता रहा हूँ, ये तो आपको पहले से ही पता है और आप यहीं से वीडियो को स्किप कर दोगे या देखना बंद कर दोगे, लेकिन रुक जाओ, मैं आपको कोई सिंपल वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ। कार्ड्स के बारे में आप भले ही जानते हो, आपको कार्ड लगाना भी आता है, पर कार्ड कैसे लगाना है ये आपको अभी नहीं पता है, तो पूरा सुन लो मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद ना आए वीडियो तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, पर पहले एक बार आप सुन जरूर लीजिए, पूरा पूरा समझ लीजिए कि कैसे मैं बता रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। तो कार्ड्स आपको लगाना जरूर है, लेकिन कार्ड आपको ऐसे नहीं लगाना है, कार्ड आपको उसी वीडियो पे लगाना है जो हाईएस्ट रैंकिंग व्यू लेके आ रही है और जिस पे करेंटली अभी भी व्यूज़ आ रहे हैं। और आपको एक कार्ड नहीं लगाना दोस्तों, आपको कम से कम 3 से 4 कार्ड लगाने हैं अपने इस वीडियो पे। आप 30 सेकंड के इंटरवल में भी लगा सकते हो या 1 मिनट के इंटरवल में भी लगा सकते हो। अगर आपकी वीडियो सपोज 5 से 6 मिनट की है तो उस वीडियो पे आराम से आप 3 कार्ड्स लगा सकते हो 1-1 मिनट के इंटरवल पे। अब आपको कार्ड्स पे वो वाले वीडियो लगाने हैं जिन पे आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं,
जो आपने लेटेस्ट अभी अपलोड किए हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छे हैं, इनका कंटेंट अच्छा है, पर उसके बावजूद भी उस वीडियो पे आपको व्यू नहीं मिल रहा है, तो उन वीडियोस को आप वन बाई वन अपने हाई रैंकिंग वाले वीडियो में एज ए कार्ड लगा दीजिए। और ऐसा आप सिर्फ एक वीडियो के साथ मत करो, आपके चैनल पे कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको आते होंगे और वो वीडियो आपकी अभी भी चल रही होगी, उन पे आपको अभी भी व्यूज़ मिल रहे होंगे। तो आप उन सारे वीडियोज़ को टारगेट कीजिए और इन सारे वीडियोस पे आप कार्ड्स लगा दीजिए ऐसे वीडियोस के जिन पे आपको व्यूज़ ना के बराबर आ रहे हैं, और 2-3 कार्ड आप लगाइए, कम से कम एक कार्ड से लगाने से बात नहीं बनेगी, आप उस वीडियो पे कम से कम 2-3 वीडियो से कार्ड लगा दीजिए और वो वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिन पे आप व्यूज़ लेना चाहते हैं, जिन पे आपके कम व्यूज़ आ रहे हैं। आप 30 सेकंड के इंटरवल पे भी लगा सकते हैं, आप 1 मिनट के इंटरवल पे भी लगा सकते हैं, एटलीस्ट 3 कार्ड्स आप जरूर लगाइए। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे वीडियोस अपने टारगेट कीजिए जो हाई रैंकिंग वीडियोस हैं जिन पे व्यूज़ आते हैं, और उन वीडियोस पे आप कम व्यूज़ वाले वीडियो के कार्ड्स को लगा दीजिए। ये तो हो गया पहला काम जो आपको करना है। अब सेकंड काम आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है एंड स्क्रीन पे। एंड स्क्रीन हमारे वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, अगर आपने अच्छी तरह से एंड स्क्रीन का यूज़ किया है तो आप वहाँ से भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हो। अगर आपको एंड स्क्रीन लगाना नहीं आता तो इस वीडियो के आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके देखिए और सीखिए कि कैसे आप अपने वीडियो पर एंड स्क्रीन लगा सकते हो। और एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो डालना है जो आप सबसे ज़्यादा अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हो, जिस पे आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, तो हर वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन लगाना मस्ट है, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह का कंटेंट देखते रहने के लिए। और अगर ये सब करने के बाद भी आपके चैनल पे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है तो इस वीडियो पे क्लिक करके देखो कि आप कैसे अपने चैनल पे अच्छा रिस्पांस ला सकते हैं। और अगर आप YouTube से रिलेटेड ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसका लिंक ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।